गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ माहम जावेद, आई एम फ्रॉम बदायूं। तो आज हम बात करते हैं लॉकडाउन की, कि ये क्या है और क्यों लगाया जाता है। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। यह जिस क्षेत्र में भी लागू होती है वहाँ के लोगों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। वह केवल राशन और दवाई जैसी जरूरतों के लिए ही बाहर आ सकते हैं, अन्यथा सड़कों पर न घूमें। अगर लॉकडाउन से आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप पुलिस अध्यक्ष, जिला कलेक्ट्रेट या किसी उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन जनता की सहूलियत और सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। अब देखते हैं हमारे देश में लॉकडाउन क्यों किया गया। कोरोना नामक महामारी जो बहुत तेजी से विश्व में फैल रही थी, जिसकी शुरुआत चीन से हुई, जो धीरे धीरे इटली, स्पेन, ब्राजील और यूएसए में फैल गई। वहाँ के हालात बेकाबू हो गए और सरकार कुछ नहीं कर पाई। इटली और स्पेन की मेडिकल स्थिति बहुत बेहतरीन मानी जाती है, पर जब ऐसे देश ने हाथ खड़े कर लिए तो हमारा देश तो अभी बहुत पीछे है। वहाँ जैसी स्थिति हमारे यहाँ ना आए, इसलिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसको प्रभाव में लाने से पहले 22 मार्च को हमारे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद ही लॉकडाउन को प्रभाव में लाया गया। इस कोरोना नामक महामारी से लड़ने के लिए हमारे भारत के साथ ही साथ न जाने कितने देशों ने इसे अपनाया। हमारे देश में ऐसा पहली बार देखा गया जहां लोग तो हैं पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। नुक्कड़ पर अब भीड़ नहीं लगती, चाय की दुकान पर लोग गप नहीं मारते, चारों ओर है तो सिर्फ सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ियों के सायरन। कुछ ऐसा आलम रहा हमारे देश का। अगर लॉकडाउन के फायदे की बात करें तो इसके बहुत सारे फायदे हुए, जैसे कि अगर लोग ही नहीं होंगे तो ये फैलेगा कैसे। जो लोग भी वजह घरों से बाहर निकलते थे वो लोग अपने परिवार के खातिर घर में रहे, और हमारी सरकार के द्वारा पुराने सीरियलों का दोबारा प्रसारण कर दिया गया ताकि लोग घर में रहें। पर्यावरण को तो खुद को साफ करने का मौका मिल गया, जल मार्ग फिर से साफ सुथरे हो गए और चिड़ियों की चहचहाट दोबारा से हमारे घर आंगन में सुनाई देने लगी। पक्षियों ने शहरों का रुख कर लिया। चार और आपने भी शायद वो खबर सुनी होगी कि भारत के कई इलाकों से पर्वत दिखने लगा, आसमान से प्रदूषण की परतें साफ हो गई। अब बात करते हैं लॉकडाउन की नुकसान। अगर नुकसान देखा जाए तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग को हुआ, जो रोज काम करके अपना पेट पालता था। ऐसे टाइम में एक टाइम की रोटी भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई। दिन रात कोरोना से संबंधित खबरें जो लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी, न जाने इससे भी कितने लोग आज भी डिप्रेशन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन जब परिस्थिति इतनी भयानक हो तो उसकी रोकथाम भी कठोर की जाती है। लॉकडाउन इसी का उदाहरण है, और इतिहास गवाह है कि आज से पहले कभी भी भारतीय रेल नहीं रुकी, लेकिन ऐसे टाइम में उसको भी रोक दिया गया। जब सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था की फिक्र न करते हुए हमारे हित में इतना बड़ा कदम उठाया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन करें, लोगों से दूरी बनाए रखें, खुद स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, दूसरों को भी प्रेरित करें। और लॉकडाउन को सफल बनाने का एक ये भी तरीका है कि इस टाइम जो प्राइवेट जॉब करते हैं, न जाने कितने घर परिवार प्राइवेट जॉब पर ही निर्भर हैं, लेकिन ऐसे टाइम में उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनकी और हमारे मजदूर वर्ग के बारे में सोचे और बड़ा कदम उठाए। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।